क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी जल्दी उठने की आदत ही आपको सक्सेसफुल बना सकती है? जब आप रोज 4 बजे सोकर उठते हो तो आपको नई एनर्जी फील होती है, क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठे हो। ऐसा समय जब प्रकृति अपनी ऊर्जा आपको देना चाहती है, और उसी समय कुछ लोग सो रहे होते हैं। नहीं दोस्तों, ये सुबह के 2 घंटे आपके पूरे दिन से ज़्यादा कीमती होता है। आप सोच सकते हो कि आपको रोज 2 घंटे का समय मिल रहा है बाकी लोगों से अधिक जीने के लिए, तो फिर क्यों तुम अपने इस कीमती समय को बाकी लोगों की तरह सोकर बिता रहे हो? क्यों? सोचो, जब बाकी लोग सो रहे होंगे तब आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे होंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब बाकी लोग सो रहे होंगे तब आपकी मेहनत और लगन का नतीजा सामने आएगा, तब आप सक्सेसफुल बन जाएंगे, और उसी समय बाकी लोग सोते ही रहेंगे। 4 बजे से 6 बजे तक का ये 2 घंटा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये ऐसा समय होता है जब आप अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें आज किस टाइम में क्या करना है। सुबह के इस 2 घंटे में आप अपने बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इस समय का माहौल पूरा शांत होता है। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। आपको अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेने के लिए इससे बेहतर समय मिल ही नहीं सकता है। मैंने आपको रोज सुबह 4 बजे उठने के बहुत सारे बेनिफिट्स बता दिए हैं, तो अब आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना है तो आपको रोज सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। लेकिन याद रखना, कायरता वाला काम नहीं चलेगा। आपने अलार्म लगाया तो अलार्म बजने के बाद आपको उठना ही होगा और अपने कामों को पूरा करने के लिए लग जाना होगा, तभी आप बाकी लोगों से अधिक सक्सेसफुल बन सकते हैं। अलार्म लगाने के बाद जब अलार्म बजता है तब कुछ लोग उसे बंद करके पुनः सो जाते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आलसी लोगों का काम होता है, और आपको तो पता होता है कि आलसी लोग अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं। अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना भी होगा, तभी तो आप सुबह जल्दी उठ पाओगे। सुबह जल्दी उठने के लिए आपके पास जल्दी उठने का कोई खास रीज़न होना चाहिए। जो काम आपको करना बेहद ज़रूरी है उसे करने के लिए आपको जल्दी उठना ही होगा। अगर आप हर दिन सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो आपको उसके लिए कुछ नियम भी बनाने होंगे। जैसे सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने माइंड को ये बताना होगा कि सुबह जल्दी उठना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। आपको अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सुबह जल्दी उठने के लिए कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं होगी। आपने देखा होगा जब आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है या कोई ख़ास त्यौहार होता है तो आप खुद ही जल्दी उठ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास सुबह जल्दी उठने की कोई ख़ास वजह थी, तो रोज़ सुबह जल्दी उठने के लिए आपके पास बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए। मुझे क्यों जल्दी उठना है, इसका उत्तर आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप जल्दी उठ पाओगे। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, दादी की घड़ी। इस कहानी में दादी रोज़ सुबह जल्दी उठने के लिए सोने से पहले तकिए से ये बोलकर सोने को कहती है, हे तकिया राजा, मुझे आज 4 बजे उठा दियो। और जब दूसरे दिन सोकर उठते हो तो सचमुच आप सुबह 4 बजे के आसपास यानी कि जल्दी सोकर उठ जाते हो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप तकिए से नहीं बल्कि अपने मन से ये कहते हो कि मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, और आपका मन आपकी बात मान लेता है। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त की शक्तियाँ आपके मन को यह इन्फॉर्म करती है कि सुबह के 4 बज चुके हैं, और आपका मन आपको सचेत करता है कि सुबह हो चुकी है। इसी कारण आप सुबह जल्दी सोकर उठ जाते हैं। तो आज से ही आप ये नियम बना लो कि मुझे रोज़ 4 बजे सोकर उठना है यानी उठना है। आपको अपने द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ना नहीं है, फिर देखो आप रोज़ 4 बजे सोकर उठ जाओगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।